गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुप्रमितास कुक बुक। आज मैं आप सबके साथ एक इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने डोसा बैटर के साथ बनाया था। पहले तो मैंने डोसा बैटर ले लिया था और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसी बीच मैं ये रेसिपी के नाम आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको तो नॉर्मली हम उड़िया में दूधरा पीठा बोलते हैं, नहीं तो आप पैनकेक ही समझ लो, वन टाइप ऑफ पैनकेक। और सॉल्ट डाल दिया इसमें मैंने, और कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बस डोसा बैटर और गुड़ और चीनी और बस नमक। इधर आप गुड़ यूज कर सकते हो, इधर आप चीनी यूज कर सकते हो, और पानी डाल के मैंने वीडियो में जैसे दिखाया है उस कंसिस्टेंसी में आप इसको फ्राई करोगे। फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया था क्योंकि नॉन स्टिक पैन था, और एक स्पून बैटर ही डाला था। और इसको ना तेल को करछी के हेल्प से ऊपर से भी फ्राई करना है कि इसको फ्लिप करते टाइम ये दोनों साइड से पक जाए, उसके बाद इसको फ्लिप करें। और ये देखिए, ये फूलने लगा है पूरी की तरह, और ये फूल गया, और उसके बाद में फ्लिप कर रही हूँ। और ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि गुड़ है चीनी है तो ये ब्राउन कलर होता जाएगा। और ये डोसा बैटर की रेसिपी तो आप सबके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगी। बताया था मैंने कि डोसा बैटर कैसे बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरा देखो पहला पीठा बन के रेडी हो गया। देखो नॉर्मली पैनकेक की तरह ही होता है, बस ये इसको फ्राई करते हैं हम, और पैनकेक को आप जैसे सॉटे करते हो बस ना वैसे ही। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसको फ्लिप कर दिया मैंने, 2 से 3 बार फ्लिप करो और ये बन के रेडी हो जाता है। ये मैंने बैटर डाल दिया, तेल डाल रही हूँ ऊपर, फिर इसको फ्लिप करूँगी और फिर उसको 3री बार फ्लिप करूँगी, बस ये बन गया देखो। और ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, प्लीज़ ट्राई करना। ये मेरा सबसे शॉर्ट सा रेसिपी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।